ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ जैन समाज ना एक होर भी वड्डा रिश्ता है। साडा पिंड बादल दे नाल दा एक पिंड ख्योवाली या जमा नाल दा मैं लगता चार किलोमीटर दूर जिथे जैन समाज के महान संत लाभ मुनि जी उथे रहिंदे सी। नाल ही साडा होर पिंड है ख्योवाली, मैं अपने पिंड बादल की गल कर रहा जिथे जैन मुनि जी काल चराणी जिहड़ा पिंड है उथे उथे रहिंदे ते सारे इलाके दा उथे लोग जैन समाज नाल जुड़े सी। ते मेरे माता जी बहुत बार उस पवित्र स्थान ते जांदे ते उन्हां तों आशीर्वाद लैंदे। साडे घर भी बहुत बार उन्होंने चरण आए, सानू बड़ा खुश मान महसूस होया। सिख धर्म का जैन समाज का एक अटूट रिश्ता है। टोडरमल जैन जी जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना सारा कुछ कुर्बान करने का फैसला किया, छोटे साहिबजादों नूं संस्कार करन वास्ते, देखो केड्डा वड्डा उस टाइम मुगलों की बहुत डर सी, दहशत सी, ते जो उन्होंने सिख धर्म वास्ते किया टोडरमल जी, असीं सिख धर्म कितने भुल नहीं सकता। सिख धर्म जिहड़ा है उहदी सिक्ख्या की है, सरबत दा भला, सरबत दा भले दा मतलब सारयां दा भला, सारे धर्मां दा सत्कार करना, आई सोच दा प्रकाश सिंह बादल दी रही है। साहिब प्रकाश सिंह बादल जदों ही मुख्यमंत्री बनदे उहनां दी निशाना इक हुंदा सी कि मेरे पंजाब विच सारे धर्मां दे लोग खुश रहन, सिक्योर रहन, आपसी भरावां विच कोई तनाव ना होए। तुसीं देखिया होना बादल साहब जदों भी किसी धर्म का शुभ दिहाड़ा आउंदा उह आप जांदे उत्थे मनाउण जांदे, उन्हां दी खुशियां विच आप हिस्सा लैंदे। सारे धर्मां दे पवित्र स्थान साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने आप अपनी सरकार दे दौरान करोड़ां रुपये ला के उत्थे बनाए ते सजाए। भावें दुर्गियाना मंदिर जाके देखो, अमृतसर साहब घट्ट घट 200-250 करोड़ रुपये उत्ते लाया सरकार तरफों, नहीं तो हिंदुस्तान के किसी भी सूबे की सरकार ने किसी एक धर्म वास्ते किसी कोई पैसा नहीं लाया। पर बादल साहब पहले मुख्यमंत्री है, भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र स्थान राम तीर्थ उत्थे जाके देखो घट्ट घट 350 करोड़ रुपये लाया, बहुत खूबसूरत बना दिता। कुरालगढ़ साहब इतने जैन स्थल थोड़े बाहर लुधियाने के कोले मैं याद है बादल साहब ने भी 1 करोड़ रुपये उत्थे 5 करोड़ भी दिता। तो मैं इन्नी बेनती करना चाहना जैन समाज साडा एक हिस्सा है, जो थोड़े मन च जगह से आप एक खूबसूरत जगह बना के इतने पंजाब बनाईए जिथे हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग उते देखण। सो इस करके जेड़ी थोड़ी मंग है, जेड़ियां मंग है, तुसी जानते हो कि बादल साहब ने भी ना नहीं की थी, ते मैं तो की करनी सी ना। ते आ एक मैनू बड़ी खुशी ना, मैनू जो आ रहा सी जिक्र किया जा रहा सी कि बड़ी जेन्युइन जी गल है कि जेड़े नवे मंदिर बनते या कोई धार्मिक स्थान है उन्हां दे रजिस्ट्री दे फीस लगती है। इस करके परमात्मा मेहर करे थोड़ा सारे का आशीर्वाद बने, सरकार
थोड़ी अपनी आए किसी भी धर्म स्थान की रजिस्ट्री दे कोई फीस नहीं लगूगी। मैं तेन कह तुसी इत्थे 20 एकड़ जैन समाज ने एक जमीन का मांग की है, जरूर देवांगे। पहला ही फैसला जोशी साहब याद करा दिओ, जोशी साहब मेरे तो भरा है, कट्ठे असी कट्ठे रहे ते आ जरूर मैं कहना बहुत वधिया चीज है जिहड़ी इत्थे के कोई वधिया इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, क्योंकि मेरी सोच है अपना पंजाब तां वध सकदा है कि अपने बच्चों नूं वधिया सिक्ख्या दी जाए। जिहड़ी अपनी आने वाली सरकार दीआं दो मेन प्रायोरिटीज है, दो मेन प्रायोरिटीज, एक एजुकेशन लैवल ऐसा बनावांगे जिहड़ा जिहदे नाल अपने बच्चों नूं चंगी नौकरी मिल सके। नहीं तो कई स्कूल ऐसे है भावें पढ़ जाण पर उस लैवल की नौकरी नहीं मिलती। दूजी मेडिकल फैसिलिटी, कोविड ने अपन दिखा दिता कि सब तो वध मौतां पूरे हिंदुस्तान च पंजाब च होईआं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अपनी पंजाब च इन्नी नहीं सी जिदे करके मौतां होईआं। ते ओही मेरी सोच है कि मेडिकल फैसिलिटी खास करके रूरल एरिया च देहाती एरिए च उत्थे बनाउणी बहुत ही जरूरी है। तीजी ते अहम जिहड़ी गल है पंजाब विच अमन शांति कायम रखना, भाईचारक सांझ कायम रखना, धर्मां विच वंडियां पाउणा नहीं, सारिआं नूं इक जगह ते इकट्ठे करना, आ साडी श्रोमणी अकाली दल दी सोच है। मैं लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ी हालात अज सब तो माड़ी हालात अज है, गैंगस्टरां दा राज चल रहा है। मैं जिथे भी जाना मंडिया जाना मैनू कोई डॉक्टर मिलते हैं, इंजीनियर मिलते हैं, कोई शैलर वाला मिलता है, कोई इंडस्ट्री वाला मिलता है, आ जिहड़े गैंगस्टर उन्होंने टेलीफोन करके लखां रुपये की फरौती ले रहे हैं। डरदे लोग पुलिस को जा नहीं रहे क्योंकि उन्होंने सोचते कि शायद इंसाफ ना मिले। सो गैंगस्टर राज खत्म करना बहुत जरूरी है पंजाब विच, जिहड़े लोग जेलों च बह के या जेलों तो बाहर आके लोगों के मन च दहशत का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। पंजाब नूं मुख्यमंत्री चाहिए जिहड़ा पंजाब नूं तरक्की की डिवेलपमेंट की राह ते लेके जाए। तुसीं देखिया भावें लुधियाणे रहिंदे हो, जो कुछ चारों तरफ देख लो, जो कुछ हाईवे बने, सड़कां बणियां, बाईपास बने, फ्लाईओवर बने, थोड़े ते सीवरेज दे काम होए, सारे ही उदो होए जो श्रोमणी अकाली दल राज था प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे। सो मेरी सोच ते निशाना डिवेलपमेंट है, मेरे खून विच डिवेलपमेंट ही बसी है ते मैं पहले भी करके दिखाया। ते निशाना डिवेलपमेंट है, मेरे खून विच डिवेलपमेंट ही बसी है ते मैं पहले भी करके दिखाया ते पंजाब नूं अगे भी लेके जाना है। सो मेरी सोच थोड़ा साथ चाहना है। साढ़े चार साल अपने बर्बाद हो गए, गलत फैसला ले लो पांच साल जिंदगी दे बर्बाद हो जाते हैं, सही फैसला ले लो पांच साल अपना पंजाब बच सकता है, पंजाब तरक्की जा सकता है। लोग बड़े आते हैं, गल्लां बड़ी करते हैं, नारे बड़े लाते हैं, वादे बड़े करते हैं, सौं बड़े खाते हैं, पर आप पिछोकड़ देखिए, उन्हां दा हिस्ट्री देखिए कि वो कहते हैं तो करते हैं या कि कल कहते हैं तो करते नहीं, वो थोनू सारिया पार्टियां की हिस्ट्री पता है। सो जिहड़ी पार्टी दे विश्वास है, जिहड़ी तुसी देखते हो कि थोड़े पंजाब नू अपने पंजाब नू अगे ले जा सकती है, वही अपनी पार्टी उन्हें तगड़ा करना है। तो जिन्नियां पार्टियां हुण इलेक्शन च है कल्ली इको एक पार्टी श्रोमणी अकाली दल दी है जो पंजाब की अपनी पार्टी है। सानू हुक्म दिल्लियों नहीं लेने पैंदे, मुख्यमंत्री बनाने देखो चार दिन डीक दे रहे गांधी परिवार के हुक्म तो, पहले जाखड़ नूं क्या मुख्यमंत्री बेचारे ने लड्डू वंड दे, फिर क्या कि नहीं हिंदू ने उन्हूं बनाउणा, फिर कहिंदे बना लिया सुखी रंधावे नूं, फिर कहिंदे नहीं सिद्धू साहब नहीं मनदे,
फिर उसके बाद एक चन्नी साहब ले आए, हुण मंत्रियों की भी आई गल उत्थे चल रही है। जे फैसले ही उत्थों होने हैं, चंगा माड़ा तो देखना नहीं, फिर स्टेट के हक च के कौन फैसला ले सकता है? वो ही ले सकता है जो पंजाब की अपनी पार्टी होए। असी जिउणा मरना पंजाब वास्ते है, पंजाब की तरक्की वास्ते है, पंजाब के भाईचारे सांझ रखण वास्ते है, ते पंजाब विच अमन शांति रखण वास्ते है। मैं जैन समाज का दिल की गहराइयों तो थोड़ा बहुत धन्यवाद करता है, तुसी मैनू मौका दिता इत्थे आउण दा। मेरे पिता बादल साहब भी अपनी शुभकामना भेजते हैं, वह भी कोई फंक्शन उन्होंने मिस की। मैं भी वादा करता जो बुलाओगे कित जिस जगह से बुलाओगे मैं थोड़ी सेवा हाजिर रहूंगा। थोड़ा सारिया का कहता मैं नहीं कहता कहता थोड़े बिट्टू बी एस वालों फंक्शन है कोई भी इदारा पुराना होए कोई नवा खाता खोल देंगे सर। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बादल साहब बहुत गल्लां कीतियां तुसी, बहुत ही जैन समाज बारे किया, पता नहीं कदों हस्पताल बनने हैं तो पता नहीं कदों विद्या के अदारे बनने हैं, वादे भी बहुत होंगे है। हूँ तीन चार महीने रह गए तो मैं चाहना है कि कम से कम एक सीट समाज के किसी भी आगू दी जाए जिहड़ा अकाली दल के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के, जिदा टोडर माल जी ने एक इतिहास रचा से। हूँ चाहते हैं कि इस बारी एक सीट जरूर अलॉट करो लुधियाने तो किसी भी जैन समाज के जेड़ा भी है ताकि असी अगे कट्ठे चल के चलिए। जे पूरी पूरी होगी नहीं कल्ले लुधियाने की होर कोई भी है।